हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं रामदेव चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो साहब, है जो हमने कंप्यूटर की जो क्लासेज स्टार्ट की थी, और हमने कंप्यूटर की क्लासेज में जो हार्डवेयर वाली बात थी वो कल हमने शुरू कर दी थी, और हार्डवेयर में हमने है जो अपना सीपीयू वाला पार्ट था वो पढ़ना शुरू कर दिया था। और सीपीयू में मेरे ख्याल से हमने कल तीनों भाग पूरे कर लिए थे, यानी सीपीयू तीन प्रकार का होता है वो बारे में। और आज हमने आगे क्या पढ़ने वाले थे, सीपीयू के कार्य पढ़ने वाले थे। सीपीयू के क्या पढ़ने वाले थे, कार्य। अब देखो, सीपीयू के कार्य पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, और उसके बाद हर जरूरतमंद के पास पहुँचे जिसको इस क्लास की बहुत ज़रूरत है। तो देखिएगा, सीपीयू के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, समझने वाला बात है सीपीयू के कार्य। अब देखो, इस सीपीयू के कितने काम होते थे, सीपीयू के कहां चार काम होते हैं, मैं लिख देता हूं पहले, दो तीन और चार। पहला कार्य होता है फेचिंग करना। क्या करना, फेचिंग करना। अगला काम होता है अपना डिकोडिंग करना, और अगला काम होता है वो कौन सा होता है, अपना एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट करना, और जो लास्ट काम होता है वो करना होता है स्टोर करना, स्टोर करना। अब देखिएगा बात, देखो कब सीपीयू के कितने काम होते हैं, चार, फेचिंग करना, डिकोडिंग करना, एग्जीक्यूट करना और स्टोर करना। अच्छे से, और फोन को ओरिजेंटल मोड पर रखे हुए अगर अच्छे से इस काम को समझिएगा। देखो, ये जिस मान लो अपना ये क्या लगा, अपना सीपीयू लगा है, ये सीपीयू के तीनों पार्ट, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये इस तरीके से अपना सीपीयू लगा है, सीपीयू के तीनों पार्ट लगे साहब, ये तो अपना ALU, ये अपना CU, और ये अपना क्या है, रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टर है। और यहाँ पर ये साहब अपनी मेमोरी लगी, उसका नाम है अपना रैम, ये अपनी में। अब देखो, यहां पर इस तरीके से कंप्यूटर से जुड़ी है साहब हमारी सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जुड़ी हुई है, सेकेंडरी मेमोरी जुड़ी हुई। तो देखिएगा, हमारा जो कार्य है वो कहां पर है साहब, हमारा काम है सेकेंडरी मेमोरी में। हमारा कार्य कहां पर पड़ा है, सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है। और सेकेंडरी मेमोरी पर हम सबसे पहले क्या करते हैं साहब, क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही हमारा जो कार्य है वो कहां पर चला जाता है, रैम में, और जाता किसके माध्यम से, क्लिक करने पर। जो कार्य है वो सेकेंडरी मेमोरी से रैम में जाता है, किसके कारण जाता है, क्लिक करने पर जाता है। किसके क्या करने पर जाता है, क्लिक करने पर। तो कार्य था जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी था, अब कहाँ आ गया साहब, रैम में। और रैम में आने के बाद, रैम में आने के बाद इस काम को रजिस्टर तक लाने में, किस तक लाने में, रजिस्टर तक लाने में, रजिस्टर तक लाने में जो कार्य करता है वो कौन, रजिस्टर तक कौन लेके आता है, तो रजिस्टर तक लाता है CU, यानी रैम से काम को रजिस्टर तक कौन लेके आता है आगे, तो कौन लाता है, CU। और यही जो क्रिया होती है इसी क्रिया को कहते हैं फेचिंग करना। फेचिंग करना यानी कार्य को रैम से रजिस्टर तक लाना, क्या कहलाता है, फेचिंग करना। और ये करता कौन है, तो CU करता है, यानी कंट्रोल यूनिट करता है। समझ गई बात। तो यहां पर आने के बाद में अब काम कहां पर आ गया साहब, अपना रजिस्टर में, कहां पर आ गया, रजिस्टर में। अब तो देखो, हमारे पास में कोई काम आएगा तो उस काम को सबसे पहले हम क्या करेंगे साहब, समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस कार्य को समझेंगे कि बस साहब ये जो काम है इस काम को अब करें किस तरीके। मान लो हमारे पास कोई, क्योंकि कंप्यूटर के पास तो आए दिन नए काम आते हैं साहब, और हमारे पास भी जब कोई नया काम आता है तो सबसे पहले हमारा मस्तिष्क उस काम को क्या करता है, समझता है। उस काम को सबसे पहले क्या करता है, समझता है। तो उसी तरह जो ये हमारा कंप्यूटर है यानी CPU है, उस CPU भी उस काम को क्या करेगा, सबसे पहले समझेगा। यानी रजिस्टर में पड़े काम को, जो कार्य को समझना, कार्य को समझना, और वो जो समझना कहलाता, वो समझने को हम क्या कहते हैं साहब, क्या करना, डिकोडिंग करना। यानी कार्य को, रजिस्टर में पड़े कार्य को समझना क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है, डिकोडिंग करना कहलाता है। और ये भी कौन करता है, तो ये भी CU करता है। कार्य को समझता भी कौन है, CU समझता है कि साहब कार्य है वो कार्य किस तरीके। CU की फुल फॉर्म कौन सी है, कंट्रोल यूनिट। समझ गए अगली बात। अब देखिएगा, कार्य को हमने समझ लिया, और समझते ही कार्य को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने। मतलब अब कार्य को हम, जैसे हम काम को समझेंगे और समझने के तुरंत बाद ही हम निर्णय क्या लेते हैं साहब, उस काम को हम करना शुरू कर देते हैं। हम उस काम को क्या करना, करते करना शुरू कर देते हैं। तो कार्य को समझ लिया, और कार्य को समझते ही इस कार्य को करना शुरू कर देते हैं, करना
शुरू कर देते हैं, और जो करना शुरू कर देते हैं और वही क्या कहलाता है साहब, एग्जीक्यूट करना कहलाता है। क्या करना कहलाता है? एग्जीक्यूट करना, यानी कार्य को करना क्या कहलाता है? एग्जीक्यूट करना। और ये काम कौन करता है? तो ये काम करता है ALU। आपने पढ़ा ही है साहब, कंप्यूटर में वास्तव में जो गणना करता है वो कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कार्य को वास्तव में करना शुरू कौन करता है? एग्जीक्यूट करना कौन शुरू करता है? तो कौन करता है? ALU। कौन करता है? ALU। और ALU काम को करने के बाद में कहां भेज देता उस काम को? वापस। तो ये काम वहां पर ALU ने कर लिया, और करने के बाद तुरंत बाद वापस कहां पर भेज देता है? रजिस्टर में। कहां पर भेज देता है? रजिस्टर में। अब ये रजिस्टर में पड़ा काम वापस CU के द्वारा, इस रजिस्टर में पड़े काम को CU वापस किसके पास पहुंचा देता है? तो अपने RAM के पास। किसके पास पहुंचा देता है? RAM के पास। और यही क्या कहलाती है साहब? स्टोर करना कहलाती है। क्या करना कहलाती है? स्टोर करना कहलाती है। और ये काम करता कौन है? तो ये भी काम कौन करता है? CU। और जैसे ही कार्य रैम पर गया, और रैम पर जाते ही हम उस काम को रैम पर क्या करते हैं? सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं, और सेव वाले बटन पर क्लिक करते ही हमारा काम वापस सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो जाता है साहब? सेव हो जाता है। क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। तो देखिएगा, अभी मैं पूरी पूरी थ्योरी आपके सामने लिख दूंगा, लेकिन पहले देखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी में पड़े काम पर पहले सबसे पहले क्या किया? क्लिक किया, और क्लिक करते ही काम कहां चला गया? रैम में चला गया। कहां चला गया? रैम में। अब रैम में पड़े काम को, रैम में पड़े काम को CU के माध्यम से कहां लाया जाता है? CU कहां लेकर के आता है? रजिस्टर में। कहां लेकर आता है? रजिस्टर में। और वही क्रिया क्या कहलाती है साहब? फेचिंग करना। क्या कहलाती है? फेचिंग करना। अब जैसे ही रजिस्टर के पास काम आया, तो रजिस्टर सबसे पहले इस कार्य को क्या करेगा साहब? समझेगा। सबसे पहले रजिस्टर इस काम को क्या करेगा? समझेगा। और यहां पर जो कार्य को समझने का जो काम करता है वो भी CU करता है, और ये करता, इसको कहलाता है कि इसको कहते हैं क्या है? डिकोडिंग करना। क्या कहते हैं इसे हमें? डिकोडिंग करना। और डिकोडिंग करने के बाद में, कार्य को समझने के बाद में, तुरंत उस कार्य को क्या करने लग जाते हैं? करना शुरू कर दे। तुरंत उस कार्य को क्या करना? करना शुरू कर देते। तो कार्य को करना क्या कहलाता है? एग्जीक्यूट करना कहलाता है। और ये काम कौन करता है? ALU करता है। कौन करता है? ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और कार्य को ALU करने के बाद तुरंत वापस कहां भेज देता है? रजिस्टर में। और रजिस्टर से वापस काम को कहां ले जाने का काम? रैम तक ले जाने का काम किसका होता है? CU का होता है। और ये क्या कहलाता है? स्टोर करना कहलाता है। क्या करना कहलाता है? स्टोर करना कहलाता है। और रैम पर काम जाते ही रैम इस वापस काम को क्या, रैम पर काम जाते हैं उस काम को क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। और सेव करते हैं हमारा जो कार्य वापस सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। एक बार आप फटाक से इनका क्या कर ले, डायग्राम ले ले, ताकि आप भी जब इस कार्य इस वापस पढ़ो तो इसको आप समझ के पढ़ो। और मैं अब इनके बारे में यहां पर पूरी की पूरी बातें आपको डिटेल में लिख देता हूं, तो फटाक से ले लीजिएगा। कर दो, थोड़ा साफ कर दो। तो देखिएगा, अब हम CPU के कार्यों को शुरू करते हैं साहब। लिखना, पहले देखो क्या लिखो, मैं लिख रहा हूं यहां पर क्लिक करना। आप ही बोलो क्लिक करना क्या होगा? तो सेकेंडरी मेमोरी से कार्य को रैम तक लाना। कार्य को रैम तक लाना, और कार्य को रैम तक लाना क्या कहलाता है साहब? क्लिक करना। अगली बात देखिएगा, सेव करना भी यहीं पे लिख देता हूं पहले। सेव करना क्या होता है? तो कार्य को रैम से सेकेंडरी मेमोरी में मैं लाना, सेकेंडरी मेमोरी में
लाना, यानी कार्य को रैम से वापस कहां लेके आना, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी क्लिक करना तो होता है सेकेंडरी मेमोरी से कार्य को रैम तक ले जाना, और सेव करना क्या होता है रैम से वापस कार्य को कहां लेके आना, सेकेंडरी मेमोरी में। समझ गए। अब देखो सीपीयू के कितने काम होते हैं, चार, और जो पहला काम होता है वो होता है फेचिंग करना। क्या करना? फेचिंग करना। और फेचिंग करना क्या अर्थ होता है कि साहब कार्य को रैम से रजिस्टर तक लाना। सीपीयू में जो कार्य को स्टोर करता वो कौन करता है? स्टोर तो रजिस्टर करता है, मतलब सीपीयू में कार्य को स्टोर करता वो कौन करता है? रजिस्टर करता है। अब देखो जो फेचिंग करना, बताओ कार्य करता कौन है फेचिंग करने का काम? तो सीयू करता है। कौन करता है? सीयू करता है, यानी कंट्रोल यूनिट करती है। समझ गए होगे? फेचिंग करना, कार्य को रैम से रजिस्टर तक लाना, और ये काम कौन करता है? सीयू करता है। अब देखिएगा नेक्स्ट, दूसरा काम फेचिंग करने के बाद में अगला होता है डिकोडिंग करना। डिकोडिंग करना, ये डिकोडिंग करना क्या होता है साहब? तो कार्य को समझना, यानी रजिस्टर में पड़े कार्य को समझना। और ये काम कौन करता डिकोडिंग का? तो ये भी कौन करता दोस्त? सीयू करता है, यानी कंट्रोल यूनिट करता है। ये बात आपको, यानी डिकोडिंग करना, रजिस्टर में पड़े कार्य को समझना, और समझता कौन है काम को? तो कौन समझता है? सीयू। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या साहब? एग्जीक्यूट करना। और ये एग्जीक्यूट करने का जो काम करता है एग्जीक्यूट का, वो कौन करता है साहब? तो वो करता है हमारा, यानी कार्य को करना। और ये काम कौन करता है? तो ये ALU करता है। यानी कार्य को करना कौन करता है काम को, इसको कहते हैं एग्जीक्यूट करना, और वास्तव में कार्यों को करना करता कौन है? तो कौन करता है? ALU। अगला जो चौथा काम है वो कौन सा है? स्टोर करना कार्य को रजिस्टर से वापस रैम तक ले जाना। और ये ले जाने का काम बताओ कौन करता है? तो कौन करता है? सीयू करता है। लो जी, ये आपको मेरे ख्याल से जो कंप्यूटर के जो कार्य थे वो कार्य अच्छे से क्या हो चुके होंगे साहब? कंप्लीट हो चुके होंगे। पहला क्लिक करना, सेकेंडरी मेमोरी से कार्य को कहाँ लाना, रैम तक लाना। सेव करना, कार्य को रैम से कहाँ ले जाना, सेकेंडरी मेमोरी में ले जाना। फेचिंग करना, कार्य को रैम से रजिस्टर तक लाना, और ये करता कौन है? सीयू करता है। डिकोडिंग करना, रजिस्टर में पड़े कार्य को समझना, ये करता कौन है? सीयू करता है। उसके बाद एग्जीक्यूट करना, कार्य को करना, और ये करता कौन है? ALU। उसके बाद स्टोर करना, कार्य को रजिस्टर से वापस रैम तक ले जाना, और ये भी कौन करता है? सीयू करता है। लो जी, ये आपके जो सीपीयू के कार्य थे मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से क्या हो चुके होंगे? क्लियर हो चुके। यानी यहाँ पर तीन काम तो सीयू करता है, 1, 2, 3, और एक का मतलब एग्जीक्यूट और एक का मतलब ALU, याद रखने का तरीका दोस्त। अब देखिएगा अगली बात, तो फटाक से आप भी इन चीजों को क्या कर लो, नोट कर लो, और अब आप अगला चीज करते हैं हम। तो लो साहब, अब आपका जो सीपीयू वाला पार्ट था वो सीपीयू वाला पार्ट क्या हो गया? खत्म। अब हम हार्डवेयर में आगे किसको पढ़ने वाले हैं? तो अब हम हार्डवेयर में आगे पढ़ने वाले सबसे पहले मेमोरी को। किसको पढ़ने वाले? मेमोरी को पढ़ेंगे, और मेमोरी को यानी स्टोरेज डिवाइस को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम क्या कर पढ़ेंगे साहब? आगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अब पढ़ते हैं हम मेमोरी को। तो लगाओ अपनी कॉपी में बड़ी सी हेडिंग मेमोरी। तो देखिए आप फटाक से हेडिंग लगा लीजिएगा मेमोरी। लो साहब, अब लगा देते हैं हम मेमोरी। पहली बात, मेमोरी है क्या साहब?
तो मेमोरी साहब एक कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। पहली बात पूछ ले आपसे कि मेमोरी क्या है, तो मेमोरी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस, ये तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते ही होंगे साहब, ये इतनी सी बात तो सभी जानते हैं कि मेमोरी क्या है, तो मेमोरी क्या है, स्टोरेज डिवाइस। अब देखिएगा, मैं पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को देखना और फिर मैं उस डायग्राम को क्या करूँगा साहब समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहले इस तरीके से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना है, सिर्फ देखिएगा। यहां पर सबसे ऊपर क्या होता है, तो यहां पर होता है रजिस्टर, फिर होती है कैश मेमोरी, या फिर मैं रजिस्टर को अंदर ही लिख देता हूं, रजिस्टर भी एक तरह की क्या है, मेमोरी तो ही, रजिस्टर कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी यानी रैम और रोम। यहाँ पर पीएम का जो अर्थ है, पीएम का अर्थ क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, और फिर हम एसडी यानी सेकेंडरी, एसएम यानी सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है, एचडीडी है, डीवीडी है, एफडीडी है, एसडीडी है, समझ गए। और यहाँ पर एस एम का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर एस एस का अर्थ, एस एम का अर्थ है सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी, देखिएगा। अब देखिएगा, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी आपसे पूछ ले, तो सबसे तेज कौन सी मेमोरी होती है साहब, तो सबसे तेज मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है रजिस्टर। सबसे तेज मेमोरी पूछ ले, तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के बाद में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम और रोम, और उसके बाद में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो एसएम यानी सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिएगा, इसका मतलब सबसे धीमी कौन सी मेमोरी है, तो सबसे धीमी कौन सी है साहब, तो सबसे धीमी है सेकेंडरी मेमोरी, सबसे धीमी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो अगली बात, ये सबसे अपनी तेज होती है, लेकिन ये सबसे इसकी भंडारण क्षमता सबसे क्या होती है साहब, कम, यानी भंडारण क्षमता सबसे कम, भंडारण क्षमता इसकी क्या होती है साहब, सबसे कम होती है, सबसे तेज होती है, लेकिन भंडारण क्षमता बहुत ही क्या होती है साहब, इसकी कम होती है, किसकी, रजिस्टर की, रजिस्टर के बाद में भंडारण क्षमता किसकी ज्यादा होती है, तो केस की, केस के बाद में भंडारण क्षमता किसकी होती है, पीएम की, प्राइमरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी के बाद में जो भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है वो किसकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की। इसका मतलब इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो सबसे क्या होती है, अधिक, भंडारण क्षमता सबसे अधिक। अब देखिएगा अगली बात, यानी जब भी आपको पूछे ना कि मेमोरी सबसे अधिक भंडारण क्षमता किसकी होती है, या फिर भंडारण क्षमता के घटते हुए आधार पर इनको सही क्रम में जमाइए, तो सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की। उसके बाद में जो भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है किसकी, प्राइमरी मेमोरी की। उसके बाद में भंडारण क्षमता किसकी सबसे ज्यादा होती है, कैश मेमोरी की। और कैश मेमोरी के बाद में जो भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है वो किसकी होती है, अपने रजिस्टर की। तो सबसे इसका भंडारण क्षमता सबसे कम तो किसकी है, रजिस्टर की, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी है, तो सेकेंडरी मेमोरी की, किसकी है, सेकेंडरी मेमोरी की। अब देखिएगा अगली बात, आपको पूछ लेना इन चार मेमोरी, आप मेमोरी को गति के आधार पर घटते हुए क्रम में जमाए, तो सबसे पहले सबसे तेज कौन सी, रजिस्टर, उसके बाद में कैश, उसके बाद में पीएम, और उसके बाद में एसएम, समझ गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये इतना सा जो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम आपको अच्छे से क्या होगा, क्लियर हुआ होगा। यानी ये सबसे तेज मेमोरी होती है, ये सबसे धीमी मेमोरी होती है, इसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है, और इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे क्या होती है, कम। तो ये फटाक से आप इसका भी क्या कर लो दोस्त, स्क्रीनशॉट, या फिर फटाक से अपनी कॉपी में क्या कर लो, नोट कर लो। तो ध्यान रखिएगा, मेमोरी क्या है, तो मेमोरी एक कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर में एक तरह का क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। अब देखो अगली बात,
चलो अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ साहब, प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, तो प्राइमरी मेमोरी को पढ़ने वाले हैं। अब मेमोरी में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाता हूं पीएम, यानी पीएम का मतलब अभी आपको मैंने बता दिया प्राइमरी मेमोरी। ये कितने प्रकार की होती है साहब, ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रैम और एक होती है रोम। एक तो क्या होती है रैम और एक क्या होती है रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी जो फुल फॉर्म होती है रैम की वो क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसकी जो रोम की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है साहब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिएगा सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी में किस मेमोरी को पढ़ रहे हैं साहब, रैम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, रैम को पढ़ेंगे। तो लगाइए अपनी कॉपी में हेडिंग क्या रैम। इसकी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अब हम रैम को हम पढ़ने वाले हैं। रैम का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे साहब, उद्देश्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उद्देश्य। तो सबसे पहले देखो रैम का उद्देश्य, रैम का उद्देश्य क्या है साहब, रैम डाटा को क्या करती है स्टोर करता है, डाटा को क्या करता है रैम स्टोर इतना नहीं करता साहब, सेकेंड यानी पलक झपके उतना सही क्या करता है रैम अस्थायी रूप से डाटा को क्या करता है यानी स्टोर करता है। और डाटा को स्टोर करने के बाद क्यों स्टोर करता है, ताकि उस कार्य को आगे सीपीयू तक पहुँचाया जाए या उस कार्य आगे सीपीयू के माध्यम से क्या करवाया जाए साहब, प्रोसेस करवाया जाए। क्या करवाया जाए, प्रोसेस करवाया जाए। तो उद्देश्य से पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ साहब, रैम एक अस्थाई, इसे कहते हैं इंग्लिश में टेम्परेरी, और उसे मैंने कल बताया था वोलेटाइल, बताया था ना कल वोलेटाइल मेमोरी। और जो वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं हम, अस्थाई मेमोरी को क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। अब देखिएगा अगली बात, इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना रैम डाटा को स्टोर करता है, क्या करता है रैम डाटा को स्टोर करता है, ताकि कार्य को या डाटा का या ताकि डाटा का सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस करवाया जाए, पहली बात पूछिएगा आपसे क्या रैम की फुल फॉर्म, और इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद में ये रैम है क्या साहब, एक अस्थाई टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी है। और अगली आपको पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है, तो रैम डाटा को क्या करता है स्टोर करता है, एक अनिश्चय मतलब अस्थाई रूप से डाटा को क्या करता है स्टोर करता है, क्यों करता है, ताकि उस काम को कहां तक डाटा को सीपीयू के माध्यम से क्या करवा सकता या क्या करवाए, प्रोसेस करवाए, क्या करवाए, प्रोसेस करवाए। तो देखो रैम की मैंने इतनी सी बातें लिखी, फटाक से आप इन चीजों को क्या कर लो साहब, नोट कर लो, उतने में हम अगली बातें पढ़ते हैं। अब देखिएगा अगली बात, जो रैम है हमारी, इस रैम को यानी रैम को रीड राइट मेमोरी कहते हैं, क्या कहते हैं, रीड राइट मेमोरी कहते हैं, कहते हैं। जो हम है हमारी ये जो रैम है, इस रैम को हम क्या कहते हैं साहब, रीड राइट मेमोरी। क्यों कहते हैं साहब रीड राइट मेमोरी, क्योंकि इसके अंदर हम डाटा को लिख भी सकते हैं और डाटा को पढ़ भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन यहां दिखाई दे रहा है रोम, रोम में सिर्फ रीड ओनली